हरे कृष्णा फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपीएन क्रिएटिव माइंड। तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ईयरिंग से हम हेयर स्टाइल कैसे बना सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मेरे पास ये पर्ल के जो हैं ईयरिंग्स हैं, देखिए इस तरह के ईयरिंग्स हैं ये। तो आज मैं आपको इनसे हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊंगी कि इनसे हेयर स्टाइल कैसे बनाया जाता है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले जो है शॉर्ट्स में इसका वीडियो बना के डाला था, लेकिन वो काफ़ी फास्ट है, तो इसीलिए मैं आज थोड़ा स्लो मेथड में इसको बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आइए सीखते हैं कि ईयरिंग से हम कैसे जो है अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि इधर से साइड से इस तरह से बाल ले लेने हैं और उनको कॉम की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये साइड से जो है सारे बाल अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से बाल ले लेना है और दोनों को एक साथ पकड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ से ये थोड़े से उठे हुए हैं, अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम कॉम से वापस सेट कर देंगे इस तरह से कि ये एकदम परफेक्ट सामने से दिखें और बाल जो है सामने से ख़राब ना दिखें। तो ये हो गया इस तरह से। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक रबड़ बैंड इसमें लगा दूँगी जिससे कि अपनी जगह से हिले नहीं। तो इस तरह से हमें अपने बालों को पकड़ के इस तरह से इसमें जो है रबड़ लगा देनी है। ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो है यहाँ से, ये देखिए एकदम परफेक्ट सेट हो गया यहाँ से, और इसी तरफ से भी हमारा जो है एकदम परफेक्ट सेट है। तो ये हमारा हो गया। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपना ईयरिंग लेना है इस तरह से। ये मैंने ईयरिंग लिया है, अब इसमें एक पतली सी रबड़ लगा देनी है। ये देखिए ब्लैक ही कलर की डालें ताकि वो बालों के बीच में दिखाई ना दे। तो ये है हमारा, और मैंने इसमें इस तरह से हाफ हाफ करते हुए दोनों तरफ ये लगा दिए। ये देखिए लग गया बराबर, हाफ ऊपर हाफ नीचे का ही गैप होना चाहिए। आप चाहे तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें बाद में, जैसे भी आपको ठीक लगे कि कम ज़्यादा जब भी करना हो आप अपने अकॉर्डिंग से इसको एडजस्ट कर लें। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से में से, ये जो हमारा ऊपर वाला पहले जो हाफ सर्कल है इसके अंदर से अपने इस पौनी को निकाल लेना है। तो सबसे खाली हमें यही बाल निकालने हैं, एक्स्ट्रा बाल नहीं लेने हैं। तो हम इनको पकड़ेंगे अच्छे से, इस तरह से पकड़ लेंगे और अपने सबसे पहले हम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें से इन बालों को निकाल लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। अब यही चीज़ आपको नीचे वाली तरफ से भी करना है। अभी हमने ऊपर वाले में से निकाला था, अब यही चोटी जो है ऊपर से ही हम इसको नीचे की तरफ निकाल देंगे। इस तरह से, और फिर हम इसको सेट कर देंगे। इसका जो भी सेंटर पॉइंट वगैरह है उसको अच्छे से परफेक्ट सेट करेंगे। तो ये देखिए अभी हमारा जो सेंटर वेंटर सब एकदम परफेक्ट आ चुका है। तो आप इसको कैसे मूव करके भी हम जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो हमने छोटी की रबड़ लगाई थी वो इसमें देखिए यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए हमने ब्लैक कलर की लगाई है। और बहुत ही माइनर सा पार्ट इसका यहाँ पे टॉप पे उसका दिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर और लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि लगने के बाद वो फ्लावर कैसा दिखेगा। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके का कलर का फ्लावर लिया है, आपको जिस भी कलर का लगाना हो लगाएं। और इस फ्लावर को यहाँ आपको अंदर की तरफ नहीं लगाना है कि आप सोचें कि यहाँ पे लगाएं, इसको ऐसे ही रहने देना है। ऊपर जो हमने ये रबड़ लगाई थी अंदर, जो साइड की जो हमने लेयर्स लगाई थी उनको बांधने के लिए, उससे ऊपर जो गैप है वहाँ पर आपको ये पिन इस तरह से तरीके से सेट करनी है।
तो ये देखिए, तो जो हमारा ये बाकी का जो भी आपको थोड़ा बहुत पार्ट दिख रहा होगा वो भी हमारा छिप जाएगा। तो ये देखिए हमारा इयररिंग से ही कितना सुंदर जो है बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी इयररिंग से, जो सर्कल वाले इयररिंग हो, उनसे आप इसी तरह से हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं बाल हमारे। ये देखिए ये पूरे खुले हुए बाल हैं और ये हमारा इस तरह से हेयर स्टाइल बन गया। तो आपको अगर हमारा ये हेयर स्टाइल पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हरे कृष्णा। तो ये देखिए अभी मैंने एक रोज इस तरह से लगाया है। अब मैं इसी के साथ में एक दो कुछ रोजेज और लगाऊंगी जिससे कि ये और ज़्यादा ग्रेसफुल लगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको लगा लेने हैं। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा हेयर स्टाइल बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप उसको किसी भी तरह की पिन से डेकोरेट कर सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हरे कृष्णा।